नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में चारों धामों का दर्शन करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और उत्तराखंड के चारों धाम मानो स्वर्ग की यात्रा के समान है। इन चारों धामों की यात्रा का आरंभ होता है माँ यमुना के उद्गम स्थली यमुनोत्री से। यमुनोत्री वो पावन तीर्थ है जहाँ से माँ यमुना का उद्गम हुआ है। तो आइए माँ यमुना के इस पावन तीर्थ की यात्रा आरंभ करते हैं। माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। इन्हें यमुना नाम यमराज से ही मिला है। कहते हैं यमुना की पवित्र जलधारा में स्नान करने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य भयानक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। सूर्य देव की संज्ञा और छाया नामक दो पत्नियों से यम, शनिदेव, वैवस्वत मनु और यमुना प्रकट हुए। यमुना यम और शनि देव की बहन है। भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान का विशेष महत्व है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप में कालिंद पर्वत पर आईं, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। सप्त ऋषि कुंड और सप्त सरोवर कालिंद पर्वत के ऊपर स्थित हैं। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक पटरानी कालिंदी यानी यमुना भी है। सर्वलोकस्य जननी देवी त्वं पापनाशिनी आवाहयामि यमुने त्वं श्री कृष्ण भामिनी। अर्थात जहाँ से यमुना निकलती है वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। यमुनोत्री धाम के इतिहास का वर्णन हिंदुओं के वेद और पुराणों में भी किया गया है। एक पौराणिक गाथा के अनुसार यहाँ असित मुनि का आश्रम था। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा पर आए तो वे पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ व बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की जाती है। यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुनोत्री के मार्ग में भैरव बाबा विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री जाने वालों की भैरव बाबा हर बाधा से रक्षा करते हैं। यमुनोत्री मंदिर में एक गर्म जल का कुंड है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। यमुना सूर्य की पुत्री हैं। उनकी बूंद बूंद में सूर्य की किरणों का तेज है। कहते हैं एक किरण के रूप में सूर्य देव युगों युगों से यमुना के साथ हैं। उनकी निर्मल जलधारा में वास करते हैं। कहते हैं यही हिमालय की गोद में यमुना जी ने अपने पिता सूर्य देव की तपस्या की थी। सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने एक कुंड की स्थापना की जिसका जल उनकी कृपा से हमेशा गर्म रहता है। माँ यमुना के इस धाम में सूर्य कुंड में पका हुआ चावल उन्हें प्रसाद के रूप में भेंट किया जाता है। इस अलौकिक जलधारा की पूजा इस प्रसाद से ही की जाती है। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। यमुना की पूजा करने से पहले भक्त इस शिला की पूजा करते हैं। यमुनोत्री में माँ यमुना की पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है। यहाँ पूजा करके भक्तजन समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यमुनोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित एक हिंदू तीर्थ है। वर्तमान मंदिर की स्थापना जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा 19वीं सदी में किया गया था। यह मंदिर
अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। सर्दियों में बर्फ गिरने की वजह से दीपावली के आसपास यमुनोत्री मंदिर के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यमुना नदी का पावन स्रोत कालिंदी पर्वत है। यह तीर्थ 1 किलोमीटर दूर 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुना की ये पवित्र जलधारा यमुनोत्री से प्रकट होती है। हिमालय के पर्वतों से आशीर्वाद के रूप में बहती हुई यमुना उत्तर भारत के कण कण को अपने स्नेह से सींचती हुई गंगा में विलीन हो जाती है। मोक्ष यात्रा में आज हमने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। आगे भी ये यात्रा ऐसे ही कई तीर्थों और धामों तक चलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और विश्वास कीजिए, प्रार्थना वो भाषा है जिसमें भक्त भगवान से बात करता है। जय माँ यमुना।